लेक्चर नंबर 5 सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 10 टॉपिक है आज का हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने से पहले हम टर्म जो है डिसऑर्डर्स इसको देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स जो वर्ड है वो रिलेट करता है डिजीजेस के साथ। किसके साथ? डिजीजेस के साथ। अब डिजीजेस का जो वर्ड है बेसिकली वो टू वर्ड्स के साथ जो है बना हुआ है, डिस एंड इजीज। डिस का मतलब होता है अन और इजीज कहते हैं फंक्शंस को या फंक्शन को। इज किसे कहते हैं? फंक्शन को। तो बॉडी का अगर कोई पार्ट अनफंक्शन हो जाए यानी वहां पे जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली अकर ना हो तो हम कहते हैं डिजीजेस कॉज हो गई है या डिजीज कॉज हो गई है जो कि डिसऑर्डर भी कहलाती है। ठीक है, तो अनफंक्शनिंग हो जाती है, अनफंक्शनिंग जिसे हम डिजीज का नाम देते हैं या डिसऑर्डर का नाम देते हैं। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जो रेस्पिरेटरी पाथवे के दौरान अक्कर होते हैं यानी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसमें जो डिसऑर्डर होगा उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो कॉज क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, कॉजेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो मेन काज है वो है पोल्यूशन। मेन काज क्या है? पोल्यूशन, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो भी काफी ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। जो प्लूटेंट्स हैं, प्लूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन काज करवाते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज होती हैं। डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे ब्रोंकाइटिस को। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो है क्या है? बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम ब्रोंकाइटिस का नेम दे देते हैं। अब ब्रोंकाई क्या है और ब्रोंक्यूल्स क्या है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये दोबारा आपको रिवाइज करवाने के लिए, लंग्स जो है आपके उसके दरमियान में क्या होता है? एक विंड पाइप होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है जब वो लंग्स के अंदर एंटर होता है तो वो टू ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। उन टू ट्यूब्स को हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंकाई का। कलेक्टिवली हम उनको ब्रोंकाई और सिंगल जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रोंकस। तो इन ट्यूब्स को हम क्या नेम देते हैं? ब्रोंकाई का। अब ये है आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकाई फर्दर आगे से स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। उन ब्रांचेस को, स्मॉल ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। क्या नेम देते हैं? ब्रोंक्यूल्स। अब जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है तो हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस की डिजीज जो है वो लाहक हो गई है। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फ्लेमेशन है वो कैसे काज होती है? अब रीजन देखते हैं, कॉजेस देखते हैं इसके कि ये किस तरह से काज होती है, इफेक्ट क्या होता है। कॉजेस ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज है वो डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया, केमिकल्स की वजह से हो सकती है और जो इसका मेन काज है वो है स्मोकिंग।
स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस, मेन कॉज है ये ब्रोंकाइटिस का। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से जो ब्रोंकाइटिस की डिजीज है वो ज्यादा कॉज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ब्रोंकाइटिस में होता क्या है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये आपके पास ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि स्वेल कर जाती हैं। स्वेल करने से क्या होता है, ये आपके पास इनकी नॉर्मल ओपनिंग है, नॉर्मल क्या है पाथवे है। जब ये स्वेल करती हैं तो ये पाथवे क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। स्वेल करने से पाथवे शॉर्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है। इसकी वजह से जो एयर पैसेज वे है वो डिस्टर्ब होता है और एयर पैसेज वे के डिस्टर्ब होने से ब्रोंकाइटिस की डिजीज काज होती है। अब किसी पर्सन को अगर ब्रोंकाइटिस है तो हमें पता कैसे चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या हैं, निशानियाँ क्या हैं, अलामात क्या हैं, ठीक है। सिम्टम्स में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, अलामात को, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की डिजीज में क्या होता है, कफ खांसी, इसके अलावा माइल्ड वीजिंग, माइल्ड वीजिंग भी कहते हैं सांस लेने में दुश्वारी हो जब आपको खांसी बहुत ज्यादा तेज हो, फीवर, बुखार, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं सांस लेने में दुश्वारी होना, स्पेशली जब आप हार्ड जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स होते हैं किसके, ब्रोंकाइटिस के। किसके सिम्टम्स हैं ये, ब्रोंकाइटिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर, गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के अंदर, सांस लेने के अमल के अंदर शॉर्टनेस, दुश्वारी आना। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। बेसिकली ब्रोंकाइटिस की टू टाइप्स हैं जो कि डिस्कस की गई हैं, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, वन इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड अदर इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये आपके पास परमानेंटली नहीं होती, मतलब के मीन टू से कि परमानेंट डैमेज नहीं करती, पेशेंट जो है वो रिकवर कर लेता है 2 वीक के दौरान, ठीक है, पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में पेशेंट जो है विद इन 2 वीक्स पेशेंट कैन रिकवर, पेशेंट रिकवर कर लेता है, नॉट अ परमानेंट डैमेज, परमानेंट डैमेज नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये परमानेंट डिसऑर्डर होता है ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई का। इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ती जाती है और 3 मंथ से लेकर ये 2 ईयर्स तक जो है रह सकती है, लास्ट फॉर या रिमेन फॉर 2 वीक्स या 2 मंथ, सॉरी 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 महीनों से 2 साल तक ये अक्कर रह सकती है और ये जो है परमानेंट डैमेज नहीं होता, ये इतनी डेंजरस डिजीज नहीं है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो क्या है, डेंजरस है, ये 2 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक भी रह सकती है पेशेंट को, ठीक है, ओल्ड एज के जो पर्सन है उनमें और जो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करने वाले हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा होती है। तो टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस कौन कौन सी है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड नंबर 2 इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज लास्ट फॉर 2 वीक्स एंड पेशेंट कैन रिकवर इजीली, नॉट अ परमानेंट डैमेज, बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लास्ट फॉर 2 मंथ्स टू 2 ईयर्स। तो ये जो डिजीज है ये मोस्ट डेंजरस है एज कम्पेयर टू एक्यूट ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट चलते हैं एम्फिसीमा,
सेकंड डिसऑर्डर कौन सा है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा को डिस्कस करते हैं। एम्फीसीमा सेकंड डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाए हैं, एल्वोलाए उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाए। और एल्वोलाए क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब इनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उस वजह से क्या होता है सांस लेने में दुश्वारी होती है, एम्फीसीमा की डिजीज कॉज हो जाती है। अब बेसिकली होता क्या है, ये फॉर एग्जांपल एल्वोलाए, एल्वोलाए है ठीक है। एल्वोलाए क्या थे? सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच गैसेज एक्सचेंज अक्कर। ये गैसेज एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो एल्वोलाए के अंदर अक्कर होता था, और एल्वोलाए जो है वो लंग के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब एल्वोलाए में क्या होता है, जब इनकी डिस्ट्रक्शन होती है ये टूट जाते हैं, टूटने के बाद जब ये रिकम्बाइन करते हैं, टूटने के बाद ये ब्रेकडाउन हो गई इनकी, अब जब ये रिकम्बाइन करेंगे ये साइज में तो इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया किसके लिए? गैसेज एक्सचेंज के लिए। अब ये हमारे पास एल्वोलाए जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो जब रिकम्बाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, रिकम्बाइन कर रहे हैं एल्वोलाए। अब यहाँ पे आपको सरफेस एरिया देखिएगा एल्वोलाए का ज्यादा है और गैसेज एक्सचेंज जो है वो ज्यादा होंगी लंग्स के साथ, बट यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रक्शन की वजह से साइज में तो इंक्रीज कर गए एल्वोलाए टूट के जब आपस में जुड़े हैं, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो गया है, कम हो गया। अगर ये कंप्लीट एल्वोलाए होता तो सरफेस एरिया यहाँ तक होना था, ये सारा क्या होना था, सरफेस एरिया, बट ये डिस्ट्रॉय हो चुका है और सरफेस एरिया जस्ट यहाँ तक जो है मौजूद है, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम। सरफेस एरिया के कम